अब देखिए अपना सवाल है, एक वृत्त के चाप की लंबाई 4 सेमी तथा त्रिज्या 6 सेमी है, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताओ। अब देखिए त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है, सबसे छोटा सूत्र इसका है जब चाप की लंबाई दे रखी हो और जब त्रिज्या दे रखी हो, चाप की लंबाई और जब त्रिज्या दे रखी हो, तो इसके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 एल गुणा आर, यानी एल होता है चाप की लंबाई 4 सेमी और आर होता है त्रिज्या 6 सेमी। ठीक है, अब अपने इसका सूत्र लगाते हैं। सूत्र इसका होता है 1/2 एल गुणा आर, 2 6 × 12 वर्ग सेमी। इस प्रकार से अपने इसको हल कर देते हैं।